राजधानी जयपुर के एक नामचीन होटल में शादी के दौरान 150 करोड़ रुपए चोरी होने का मामला सामने आया है। दरअसल जयपुर के होटल हयात में आशीर्वाद समारोह के दौरान 14 साल का बच्चा दूल्हे की मां का बैग उठाकर ले गया। यह पूरी घटना महज एक मिनट के अंदर हुई, जो वह लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। यह पूरी वारदात जयपुर के मोहाना इलाके में हुई है। थानाधिकारी ने बताया कि साइबराबाद तेलंगाना के रहने वाले नरेश कुमार गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनका हैदराबाद में मेडिकल का बिजनेस है और उनके बेटे साई मरान की शादी कॉलोनी में रहने वाली लड़की से तय की गई थी और दोनों परिवार ने डेस्टिनेशन वेडिंग जयपुर में करना तय किया और इसके बाद होटल हयात को बुक किया था। 8 अगस्त को दूल्हा दुल्हन पक्ष के लोग शादी के लिए होटल में मौजूद थे और रात करीब 12 बजे आशीर्वाद समारोह चल रहा था। आशीर्वाद समारोह दौरान दूल्हे की मां ने हाथ में पकड़ा सफेद रंग का बैग मंडप के पास रख दिया। तभी मौका पाकर पीछे से आया एक बच्चा नजर चुराकर उस बैग को ले गया। इस बैग में 150 करोड़ रुपए थे। 14 साल का नाबालिग चोर हाथी के पीछे और उसका साथी हाथी के आगे चलते हुए होटल के अंदर प्रवेश कर गए। करीब एक घंटे होटल में रहने के दौरान एक दूसरे से दूर खड़े रहे और बैग पकड़े लोगों की निगरानी करते रहे और इसके बाद दोनों लड़के 150 करोड़ रुपए से भरा हुआ सामान और कैश बैग को चोरी कर ले गए।